हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है धीरेंद्र, आपका स्वागत है। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि कभी कभार क्या होता है कि हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है और उसका हमें आंसर पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि उसको आंसर को बड़ा करके कैसे लिखें। हमें आंसर भी पता है कि हाँ ये आंसर है, लेकिन उसका पता है कि ये छोटा सा लिख सकता हूँ मैं। अब उसको हम आंसर्स को बड़ा करके कैसे लिखें एग्ज़ाम में, खास ग्रेजुएशन में ऐसा बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पर हम बात करेंगे। बेसिकली ये मेरे साथ काफ़ी कुछ हो चुका है ऐसा, तो मैं उसी की बेस पे बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने खुद ऐसे कई सारे क्वेश्चन कर रखे हैं जहाँ पर आंसर बहुत ही छोटा लिखना होता है उसके अंदर, मतलब आंसर उसका बहुत ही छोटा है कहीं से भी पढ़ेंगे, बट उसको खींच के कैसे बड़ा लिखे थे। तो हम कैसे बड़ा खींच के लिखे, तो वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लिख सकते हैं। कई सारी बहुत बार हमने ऐसा किया है, मतलब मेरे साथ, मतलब मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन छेड़े थे जो कि कई बार मैंने, जो कि ऐसा लगता था कि हाँ यार ये तो बहुत ही छोटा है, बट उसको बड़ा करके किसी तरीके से लिखना पड़ा। वो कैसे लिखे था अब मैं आपको बताने था। अभी मैंने कुछ पेपर देखा था अभी कुछ ही दिन पहले, तो मैं उसके हिसाब से बताता हूँ कि एक क्वेश्चन ऐसा था कोटेड लाइन वाला, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है, इस तरीके के लिखा हुआ था। सो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, ऐसे लिखा हुआ था आपके सामने। अब ये स्टेटमेंट में अगर आप देखने जाओ 12th क्लास की बुक में, अगर आप देखने जाओ बिजनेस स्टडीज में, तो इसका आपको पैराग्राफ एक लाइन एक पेज से ऊपर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसे केस में कहीं कहीं से भी पढ़े, ज़्यादा ऊपर मिलेगा ही नहीं, इसका एक दो पेज से आप ऊपर लिख नहीं सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बड़ा लिखें, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे क्वेश्चन को बहुत बड़ा कैसे लिखे। देखो यहाँ पर दो केस ना दे सकते हैं, एक हो सकता है कि आपके पास टाइम है, सबसे पहले तो पेपर में आपके पास पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन उठा कर रहे हो, स्टार्टिंग में उठा रहे हो या एंड में उठा रहे हो, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एंड में उठा रहे हो, तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आप बीच में उठा रहे हो तो क्या करना है, मिड में उठा रहे हो तो क्या करना है, स्टार्टिंग में उठा रहे हो तो क्या करना है। वैसे तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है कि मेरे से नहीं होगा इतना हिसाब से इतना बढ़िया, तो वो कभी भी स्टार्टिंग में तो उठाना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है, स्टार्टिंग हमको हमेशा आपको ऐसी करनी चाहिए कि जो मुझे पक्का है कि ये मुझे आता है वहीं से ही स्टार्ट करना चाहिए, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए जो आपको नहीं आता। स्टार्टिंग अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, हमेशा स्टार्टिंग ऐसी करो जो कि मुझे पक्की तरीके से आता है क्वेश्चन, वहीं से स्टार्ट करो, कभी भी ऐसा स्टार्ट नहीं करना है। तो स्टार्टिंग में तो मैं हटा ही रहा हूँ कि स्टार्टिंग तो आप ऐसा कर देना देना बिल्कुल भी। अब बात करते हैं अगर आपने मिड में उठा लिया या एंड में उठा लिया तो क्या करें। मिड में अगर आपने उठाया ऐसा क्वेश्चन, कहीं पर भी आपने बीच में उठा लिया किसी भी तरीके का ऐसा क्वेश्चन, या दूसरा ही क्वेश्चन उठा लिया, तीसरा उठा लिया, जैसे मर्जी उठाया, तो करेगा ऐसे केस में। हमेशा मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि क्या करना चाहिए, कभी भी हमेशा स्टार्ट हमेशा इंट्रोडक्शन से करना चाहिए या फिर मीनिंग से करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, पहले आप क्या करो, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दो, पहले आप क्या करो, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट को पहले बता दो कि क्या मतलब होता है, फिर उस स्टेटमेंट को समझाने के लिए आप प्लानिंग का मीनिंग बताओगे, पहले कंट्रोलिंग का मीनिंग बताओगे, फिर उनके बीच में सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटी बताओगे, तब जाके दोबारा से आप स्टेटमेंट में आओगे और उसको ठीक करोगे कि भाई प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग तो होता ही है, साथ में बैकवर्ड लुकिंग भी होता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। बट ये स्टेटमेंट कुछ हद तक ठीक है, और ये स्टेटमेंट को हम समझाने के लिए पहले मीनिंग लिखेंगे, इस दोनों का मीनिंग अलग अलग, प्लानिंग का अच्छे से मीनिंग लिख सकते हो, और अगर और खींचना है क्वेश्चन को तो प्लानिंग के साथ साथ, प्लानिंग का मीनिंग के साथ साथ उसके करेक्टरिस्टिक भी लिख दो, ज़्यादा बड़े नहीं, खाली एक्सप्लेन नहीं करना, खाली लिख दिया
कंट्रोलिंग का मीनिंग लिख दिया, उसके एक्सपेक्टेशन लिख दिया। अब फिर उसके बाद हम उसके सिमिलैरिटीज में आएंगे, डिफरेंसेस में क्या होगा, पहले सिमिलैरिटीज में आएंगे, क्या सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में, ठीक है। डिफरेंसेस तो हमें दिखने नहीं है ना, तो सीधा क्या आएगा हम कि इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है। उसके बाद हम दो पॉइंट लिखेंगे कि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है, बैकवर्ड लुकिंग भी होता है। मतलब कि पहले हमें इंट्रोडक्शन देनी है कि हाँ ये बात ठीक है, प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है, क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है वो हमने समझा है। उसके बाद हमें उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, या फॉर प्रूफ, मतलब ये स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, हम टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, आप उसको पॉइंट बना के लिखोगे कि पहला मीनिंग ऑफ प्लानिंग, ठीक है। पहले मीनिंग लिखा आपने, फिर कंट्रोलिंग का मीनिंग लिखा, तो इस तरीके से कर सकते हो आप, तो ये आपने करना है। लेकिन अगर आप एंड में फंस जाओ ऐसे क्वेश्चन में कि आपको, आपने उठाया सबसे एंड में, क्योंकि आपको पता था कि मुझे नहीं आता, बनाऊँ कैसे इसको, आपने सीधा एंड में उठाया, तो एंड में क्या करना है आपको, इतना बड़ा नहीं लिखना फिर बना के। एंड में आप सीधा सीधा स्टेटमेंट कर सकते हो, मतलब सीधा आपने बस ये स्टेटमेंट समझाई कि क्या होता है फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, बात खत्म। ऐसा भी आप कर सकते हो अगर आप एंड में फंस जाओ, टाइम कमी है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सीधा मेन टॉपिक पा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो कभी भी ये ना समझ जाना कि सिर्फ यही एक्सप्लेन करना है। कभी कभार क्वेश्चन आपके सामने कुछ बहुत सारे ऐसे आएंगे, जैसे कि कभी पूछेगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको लगेगा तो बहुत छोटे हैं, दरअसल वो क्वेश्चन डालते हैं ऐसे ही जानबूझ के। वो क्वेश्चन डालने का मतलब ये नहीं है खाली उस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वही लिखना है, उस क्वेश्चन को डालने का पर्पज़ ये है, पर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको आता है वो सब लिखना है। आपको खींच के आंसर तभी लिख सकते हो जरूर, अगर मैं ये लिखना बैठूंगा तो ये सिर्फ चार लाइन का है तो क्या ये लिखना है आपने, नहीं, आपने सब कुछ लिखना होता है टॉपिक से रिलेटेड। पहले प्लानिंग का मीनिंग एक्सप्लेन करना है, फिर कंट्रोलिंग का मीनिंग एक्सप्लेन करना है, फिर आपने स्टेटमेंट बनाना है। ऐसा नहीं करना होता कि सीधा उस मेन टॉपिक पर जाना होता है। कभी भी ग्रेजुएशन में कोई भी आपको, जब आपको आंसर को लंबा खींचना होता है तो कभी भी मेन टॉपिक पर नहीं आना होता, तो कभी भी आपको आंसर को बड़ा जगह कर लिखना है तो कभी भी आपको मेन टॉपिक पर ना आओ। हमेशा सबसे पहले आप उसको इंट्रोडक्शन दो, उसको मीनिंग को एक्सप्लेन करो, जो पहले टॉपिक स्टार्ट हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है वो बीच का दे दे कुछ, स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करो टॉपिक को, तब जाके उस मेन टॉपिक पर आओ जो वो मेन टॉपिक पूछ रहा है आपसे। कभी भी आपको स्टार्टिंग वहाँ से नहीं करनी जो मेन टॉपिक पूछ रहा है, स्टार्टिंग हमेशा आपको इंट्रोडक्शन मीनिंग से करनी होती है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी स्टार्टिंग की बातें होती हैं, मीनिंग जो उसका और या फिर इंट्रोडक्शन होती है वहाँ से करनी होती है, फिर उसको मेन टॉपिक बनाना पड़ता है, फिर वहाँ से एक्सप्लेन करना पड़ता है। उसको भी खींच के आपके ऊपर बातें कैसे कर सकते हो, आप डायग्राम भी बना के खींच सकते हो, आप एग्जाम्पल्स बना के खींच सकते हो, ठीक है। आप अपने तरीके से जब आपको टॉपिक की समझ होगी तो आप उसके हिसाब से और बना के लिख सकते हो जो कि बुक में भी नहीं लिखा होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपको, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसलिए टॉपिक से रिलेटेड हमेशा आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, जितनी अच्छी आपकी टॉपिक से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही आप अच्छा बना के लिख पाओगे, लंबा क्वेश्चन को खींच पाओगे। तो अगर आपको जब भी क्वेश्चन को लंबा खींचना है तो सबसे पहले तो अपनी टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ना कि उसको लर्न करो। तो आप की टॉपिक की जितनी समझ होगी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उसको बना के मैं लंबा लिखूं, वो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, प्रेजेंटेशन पे आपको ध्यान देना है कि कैसे, और भी अगर मैं डायग्राम बना दूँ तो थोड़ा सा आपका पेज भर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हर जगह डायग्राम नहीं बनाना, जहाँ पर जरूरत है तो वहाँ बना दिया। तो इस तरह से आप पढ़ोगे तो हमेशा टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जिससे आपको दिमाग अपने आप लगेगा कि क्या क्या उसके बना के लिख सकता हूँ, क्योंकि जब टॉपिक के बारे में पता होगा, ठीक है, तो कभी भी आप फंस नहीं सकते फिर आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे किसी भी आंसर को बना के बड़ा लिखना होता है। हमेशा इंट्रोडक्शन मीनिंग मेन टॉपिक पर जम नहीं मारना होता तो आंसर को बड़ा अपने आप ही वहाँ से लिख जाएगा बना के, और खींचने आंसर को आपको लग रहा है कि तो बहुत ही छोटा टॉपिक है तो फिर वहाँ पर आप अंदर और इसके एक्सप्लेन कर सकते हो। जब आपकी टॉपिक की समझ होगी तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे उस टॉपिक को फिर आप। तो ऐसा क्वेश्चन ना ही उठाओ अगर आपकी उस टॉपिक की समझ नहीं है, तो आप कर सकते हो, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आया तो समझ में, वीडियो को जरूर शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिनको समझ में नहीं आते थे और वो भी समझ पाए कि कैसे किसी भी आंसर को कैसे बड़ा लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।